हे एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करें अवेंजर सीक्रेट वॉर की कॉमिक स्टोरी। और ये स्टोरी होने वाली है 1984 की, जिसमें हमें प्री रेडकॉन बियॉन्डर देखने को मिलेगा। साथ ही इस कॉमिक्स के कई इवेंट अवेंजर सीक्रेट वॉर में दिखने वाले हैं, तो इस कॉमिक्स को एक्सप्लेन करना तो बनता ही है। और हाँ, इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि अवेंजर्स अर्थ माइटीएस्ट हीरो की एनिमेटेड सीरीज को इसी के साथ कंटिन्यू किया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मुझे अर्थ माइटीएस्ट हीरो को कवर करना चाहिए या नहीं। फिलहाल अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहानी की शुरुआत में दिखाई जाती है हमें एक गैलेक्सी जो धरती से बहुत दूर है, और तभी हम देखते हैं इस स्पेसशिप पर अर्थ के कई सारे सुपर हीरो को यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया गया है। अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर के साथ कई सारे सुपर हीरो यहाँ मौजूद हैं, और उन्हें पता चलता है कि वो अर्थ पे नहीं है। सभी सुपर हीरो आपस में बात करते हैं कि वो कहाँ आ गए और वो यहाँ कैसे पहुँच गए, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तभी उनके पास में एक और ग्रुप टेलीपोर्ट होके यहाँ आता है, और ये ग्रुप होता है मार्वल यूनिवर्स के सारे सुपर विलन्स का, जिसमें डॉक्टर डूम, कैंग द कॉन्करर, डॉक्टर ऑक्टोपस, अल्ट्रॉन और गैलेक्टस हैं। इन सुपर विलन्स को भी नहीं पता यह यहाँ कैसे पहुँच गए, लेकिन एक बात को हम क्लियर देख सकते हैं कि सुपर हीरो की टीम और सुपर विलन की टीम दोनों को अलग अलग रखा गया है। और इधर हीरो की साइड में सुपर हीरो गौर करते हैं कि उनके साथ मैग्नीटो को रखा गया है, और सभी सुपर हीरो मैग्नीटो को हीरो नहीं मानते थे, इसलिए वो उसको देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। मैग्नीटो को सुपर हीरो की टीम में देखकर सभी सुपर हीरो आपस में बहस करते हैं, और इन सब के बीच में प्रोफेसर एक्स का सेंस कुछ महसूस करता है, और हम देखते हैं कि बाहर जितने भी स्टार्स होते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, और इन स्टार्स के साथ गैलेक्सी भी पूरी तरह गायब हो जाती है। और सब कुछ गायब होने के बाद केवल दो शिप वहाँ मौजूद है, एक पे है सुपर हीरो और दूसरे पे है सुपर विलन। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि वो जानते हैं कि यहाँ लाने वाली पावर इनसे भी ऊपर है। और फिर ये सभी लोग देखते हैं कि सामने एक प्लेनेट का निर्माण हो रहा है, और इस प्लेनेट के टुकड़े डिफरेंट यूनिवर्स से आके जुड़ रहे हैं, और यही इस समय एक इकलौता स्टार है जो पूरे यूनिवर्स में बचा हुआ है। फिर हम देखते हैं विलन्स की टीम में अल्ट्रॉन अचानक उन सभी पे हमला करना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि मुझे पता नहीं यहाँ मुझे क्यों लाया गया है, पर मेरा काम है लोगों को खत्म करना और मैं वही करूँगा। और ये बोलते हुए अल्ट्रॉन वहाँ पे मौजूद हर एक विलन को मारने लगता है। अल्ट्रॉन के हमले से बचने के लिए यहाँ कोई कवर भी नहीं है, इसलिए कैंग द कॉन्करर और मॉलिक्यूल मैन इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर डॉक्टर डूम अल्ट्रॉन को रोकने का एक प्लान बनाता है, और इसलिए वो मॉलिक्यूल मैन के पास जाता है और उससे कहता है सिर्फ तुम्हारे पास ही इतनी पावर है कि तुम अल्ट्रॉन को रोक सकते हो। लेकिन मॉलिक्यूल मैन ये नहीं चाहता, क्योंकि वो लड़ाई के खिलाफ है, इसलिए वो छुप के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इधर गैलेक्टस ने अल्ट्रॉन को नोटिस कर लिया है और अपने ट्रैकर बीम से उसे खींच कर अपने सामने ले आता है, और अपनी सोच से उसको नाकाम कर देता है। गैलेक्टस को इतना पावरफुल देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और गैलेक्टस ने अल्ट्रॉन की एक हाइड्रोजन बम जितनी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो भी अपनी सोच से। और अचानक वो सभी देखते हैं कि स्पेस में एक छेद से लाइट आ रही है, और उस छेद से आवाज आती है जो उन सभी से कहती है मैं बियॉन्ड से हूँ, तुम सब अपने दुश्मनों को खत्म कर दो और जो तुम चाहोगे वो मैं दूंगा, मैं तुम्हारे हर डिजायर को पूरा कर सकता हूँ। और ये आवाज सुन के गैलेक्टस पहचान जाता है कि ये बियॉन्डर है, और उससे कहता है बियॉन्डर तुम मुझे ध्यान से सुनो, मैं हूँ गैलेक्टस, मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम सचमुच इस मल्टीवर्स के बियॉन्ड हो, और इसी के साथ मैं तुम्हारी एनर्जी को भी सेंस कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि तुम मुझसे ये हंगर ले सकते हो जो मुझे मॉन्स्टर बनाती है, जिसके लिए मुझे लिविंग वर्ल्ड को खत्म करना पड़ता है। तुम इस हंगर को खत्म कर सकते हो, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, और तुमको इन सारी चीजों को अभी खत्म करना होगा। और ये बोलते हुए गैलेक्टस उस छेद की तरफ बढ़ने लगता है, और गैलेक्टस को ऐसा करते देख डॉक्टर डूम भी उसके पीछे निकल जाता है। गैलेक्टस को अपनी तरफ आते देख बियॉन्डर कहता है तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हें बैरियर यहां से वापस भेज देंगे। और गैलेक्टस बियॉन्डर की एक नहीं सुनता, और जैसी वो उसके पास पहुंचता है वो उससे दूर फेंक दिया जाता है। और ये देखकर सभी सुपर हीरो हैरान हो जाते हैं कि ये कॉस्मिक बींग को कैसे इतना दूर फेंक दिया। और फिर हम देखते हैं सुपर हीरो सुपर विलन्स की टीम को उस प्लेनेट पे उतार दिया गया है, लेकिन सुपर हीरो की टीम में अभी तालमेल अच्छा नहीं है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और अवेंजर्स के साथ कई और लोग भी हैं जो आपस में सही कन्वर्सेशन नहीं बना पा रहे। और वो सभी देखते हैं कि उनके बीच में मैग्नीटो भी है, और मैग्नीटो को सुपर हीरो की टीम में देखना इन सभी सुपर हीरो को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो मैग्नीटो से लड़ने लगते हैं। इसके जवाब में मैग्नीटो लड़ते हुए उनसे कहता है मैं तुम सबसे सुपीरियर हूँ, और तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बराबरी कर सके, शायद थॉर है जो मेरे से बात करने के लायक है। लेकिन सुपर हीरोज मैग्नीटो की कोई भी बात नहीं सुनते, और इसलिए मैग्नीटो वहाँ से उड़
उड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं गैलेक्टस को, जो बियॉन्डर का झटका खाकर यहाँ पड़ा हुआ है, और डॉक्टर डूम भी वहाँ मौजूद है, जो बियॉन्ड की पावर को देख के हैरान है और गैलेक्टस को यहीं बेहोश छोड़ के आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो एक बिल्डिंग को देखता है जहाँ सारे सुपर विलन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तभी डॉक्टर डूम उन सबके सामने जाता है और उन सभी को बोलता है कि तुम सभी आज से मेरे अंडर काम करोगे। और जब वो सभी ये नहीं मानते हैं तो वो अपनी पावर से इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो वहाँ से शिप के जरिए निकल जाता है। डूम की इस हरकतों को कैंग द कॉन्करर नोटिस कर रहा था और कैंग की नजर डूम के हर एक एक्शन पर है। जैसे ही डूम उस बिल्डिंग से निकलता है तभी कैंग द कॉन्करर अपनी मशीन से डूम की शिप को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से डूम और डूम का शिप जमीन पे आके गिरता है। और इस शिप को नीचे गिरता हुआ देखकर सभी सुपर हीरो उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो सभी देखते हैं कि इस शिप में डॉक्टर डूम था। कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम मदद लेने से इनकार कर देता है और अपने पैरों पे खड़े होकर उन सभी पर हमला करता है। जैसे ही डॉक्टर डूम के हमले से हीरो संभलते हैं तभी बाकी सारे सुपर विलन उन पे हमला शुरू कर देते हैं। और इन सभी विलन्स के पास एक वेपन है जिसको क्रिएट किया है कैंग द कॉन्करर ने। इधर सुपर हीरो और सुपर विलन के बीच में फाइट हो रही है, लेकिन डॉक्टर डूम वहाँ से निकलकर पहुँच चुका है गैलेक्टस के पास, जहाँ गैलेक्टस को होश आ गया है और डॉक्टर डूम उससे बात करना चाहता है, लेकिन गैलेक्टस डॉक्टर डूम का कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो उसे इग्नोर करता है। डूम समझ जाता है कि गैलेक्टस उसका कोई जवाब नहीं देगा, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और इस प्लेनेट पे एक लैब ढूंढ लेता है। इस लैब में जाकर डॉक्टर डूम देखता है अल्ट्रॉन को और उसे वो अपने हिसाब से प्रोग्राम करने लगता है। और इसी के साथ ही विलन्स और सुपर हीरो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और कुछ देर तक चली फाइट के बाद हीरोज विलन को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इन विलन्स को लेके वो आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं अपने सामने एक और शेल्टर को। इस शेल्टर में जाकर सभी सुपर हीरो विलन्स को कैद कर लेते हैं। विलन से छुटकारा पाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो यहाँ कैसे पहुँचे, और आगे की प्लानिंग भी शुरू करते हैं। इसलिए कैप्टन अमेरिका इन सब के लीडर बनते हैं और उन सभी को बताते हैं कि आगे क्या करना है। कैप्टन के ऑर्डर पर जॉनी, आयरन मैन और थॉर एरिया को सर्च करते हैं। और दूसरी तरफ मैग्नीटो को भी एक स्पेसशिप मिल चुकी है जिसको उसने अपना एक बेस बना लिया है, और डॉक्टर डूम ने भी अपने लिए एक बेस तैयार कर लिया है। और इस बेस के पास बचे हुए कुछ विलन पहुंचते हैं और यहाँ डॉक्टर डूम को देखकर उस पर अटैक करते हैं। जैसे ही ये सारे विलन डॉक्टर डूम के पास पहुंचते हैं तभी अल्ट्रॉन उन पर हमला कर देता है, जिसे डूम ने प्रोग्राम कर अपना सर्वेंट बना लिया है। और इसलिए इन सभी के पास डॉक्टर डूम को सर्व करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। बेस के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम गैलेक्टस को एब्जॉर्ब कर रहा है और गैलेक्टस बस माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ है। और उसी रात हम देखते हैं कि हीरोज के हेडक्वार्टर पे पहुंच चुका है मैग्नीटो और वहां के पावर कोर को देखकर कहता है कि ये पावर कोर मेरे प्लान के लिए काफी होगी। मैग्नीटो इस पावर कोर को देखकर अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे स्पाइडरमैन और जॉनी स्टॉर्म देख लेते हैं और ह्यूमन टॉर्च खतरे का सिग्नल देता है फैंटास्टिक फोर को, जिसे मिस्टर फैंटास्टिक देख लेते हैं। और सभी सुपर हीरो मैग्नीटो को रोकने के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन मैग्नीटो को रोक नहीं पाते और दाथिंग उसके ऊपर कुछ फेंकने वाला ही होता है, लेकिन तब वो बैन में बदल जाता है और वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और ये सब क्यों हो रहा है ये किसी को नहीं पता, न मिस्टर फैंटास्टिक को न बैन को। और अब मैग्नीटो को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है वास्प। मैग्नीटो वास्प की तरफ बहुत सारे मेटल को फेंकता है, लेकिन वास्प अपने साइज को छोटा करके उसे डॉश कर लेती है। और फिर से मैग्नीटो वास्प को उस छोटे साइज में कैद करके अपनी शिप में ले आता है, जहां वो वास्प से कहता है कि मुझ पे हमला करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूँ और मैं माफी चाहता हूँ कि तुम्हें मैं इस तरह से लाया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पे बहुत खतरनाक तूफान चल रहा है और बड़े बड़े पत्थर हीरो के हेडक्वार्टर पे गिर रहे हैं, लेकिन थॉर इन सारे पत्थरों को हेडक्वार्टर पे गिरने से रोक रहा है। और अंदर हेडक्वार्टर पे स्पाइडरमैन देखता है सारे एक्समैन को, जो एक जगह कुछ प्लान कर रहे हैं, और इनकी बात सुनने के लिए स्पाइडरमैन उनके करीब जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये सभी लोग मैग्नीटो को ज्वाइन करने को कह रहे हैं, और ये सुनकर स्पाइडरमैन उन सभी के पास में जाता है और उनसे कहता है कि मैंने सुन लिया कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, और ये सारी बातें जाके मैं अवेंजर्स को बताने वाला हूँ। लेकिन एक्समैन नहीं चाहते कि ये सारी बातें अवेंजर्स को पता लगे, इसलिए वो स्पाइडरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन अकेला ही उन सबको हरा देता है और एक एक करके उन सभी को हराकर वहां से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो मिस्टर फैंटास्टिक के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बताने वाला ही होता है, उधर प्रोफेसर एक्स को होश आ जाता है और प्रोफेसर एक्स अपने मेंटल पावर का यूज करके स्पाइडरमैन की इस मेमोरी को इरेज कर देते हैं। और मिस्टर फैंटास्टिक को लगता है कि स्पाइडरमैन काफी थक चुका है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और इधर वापस से एक्समैन अपने प्लान के बारे में दोबारा बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर डूम और मैग्नीटो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं,
और डॉक्टर डूम मैग्नीटो को ऑफर देता है कि वो उसके अंडर काम करे, और ये ऑफर मैग्नीटो मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीटो और वास्प एक दूसरे से बात करते हैं, और थोड़ी बातचीत के बाद वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डूम बेस में, जहां वो अपने बेस में एक एलियन टेक्नोलॉजी को देख रहा है, और जिसका इस्तेमाल कर वो दो ह्यूमन को एक सुपर पावर दे देता है, और ये दोनों बनती है वोल्केना और टाइटेना। अब ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और डूम के लिए काम करती हैं। वोल्केना के पास इतनी पावर है स्टार कोर की प्लाज्मा जितनी हीट को फेंक सकती है, और दूसरी तरफ टाइटेनिया के पास सुपर स्ट्रेंथ है जो एक पहाड़ को आराम से उठा सकती है। डूम इन दोनों को लेके बाहर निकल जाता है और अपने बाकी साथियों से इनसे मिलवाता है, जहां वोल्केना की मुलाकात होती है मॉलिक्यूल मैन से, और वो उसे पसंद करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुपर हीरो हेडक्वार्टर में, जहाँ इंचेंट्रेस और कैंग द कॉन्करर के साथ कई विलन्स कैद हैं, और थॉर यहाँ मौजूद है जो इंचेंट्रेस को आजाद कर देता है और उससे कहता है कि यहाँ सभी मॉर्टल हैं और तुम ही यहाँ इमॉर्टल हो जो ये सारी चीज समझ सकती हो, और इसलिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर इंचेंट्रेस कहती है ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बात नहीं करना चाहती, और वो पोर्टल खोल के थॉर को कहीं और ले जाती है, जिस पर थॉर कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें मेरा कैदी बनकर चलना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और कैप्टन की नींद खुल चुकी है, जो हल्क से कह रहे हैं कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तूफान अब निकल चुका है और वो सभी अटैक करने वाले ही होंगे। और ऐसा ही होता है, वो सारे विलन सुपर हीरो पे हमला करना शुरू कर देते हैं, और जिसके लिए हीरोज तैयार नहीं थे, और विलन्स के इस अचानक हमले से संभलना हीरोज के लिए मुश्किल हो रहा था, और सभी विलन्स इस चीज का फायदा उठाते हुए हीरोज से जीतने में कामयाब होते जा रहे हैं। अपनी हार देखकर सुपर हीरोज वहां से जाने का फैसला करते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं, और यहीं पे अवेंजर सीक्रेट्स वॉर का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो भाई लोग, अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे ये भी बताना मत भूलना कि मुझे अवेंजर अर्थ माइटेस्ट हीरो के सीजन को एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, और ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।